हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आपको बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2019-22 क्या आज रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जारी किया है बहुत बड़ी अपडेट। डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जेपी यूनिवर्सिटी से पल पल की अपडेट मिलती रहती है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जेपी विश्वविद्यालय में SFI के छात्रों ने किया प्रदर्शन। स्नातकोत्तर चतुर्थ और स्नातक का रिजल्ट प्रकाशित करने की कर रहे थे मांग। इसमें आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर सोमवार को SFI के छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र स्नातकोत्तर सत्र 19-21-18-20 तथा BEd सत्र 21-23 तथा स्नातक सत्र 19-22 का परीक्षा परिणाम अविलंब प्रकाशित करने की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर एवं BEd द्वितीय वर्ष का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB द्वारा आयोजित STET परीक्षा में शामिल होने वाले छपरा, सीवान एवं गोपालगंज के हजारों छात्र वंचित रह जाएंगे। इनका शिक्षक बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। छात्र नेताओं ने कहा कि BSEB 23 अगस्त तक STET परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि निर्धारित किया है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर 17 अगस्त तक परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं करता है तो यहाँ छात्र STET परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग परीक्षा लेने के बाद परीक्षा परिणाम लंबित रखे हुए है। इसका खमियाजा यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को उठाना पड़ रहा है। SFI के कार्यकारी सचिव देवेंद्र कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग अगर 3 दिनों के अंदर रिजल्ट प्रकाशित कर अंक पर निर्गत नहीं किया जाता है तो छात्र हित में विश्वविद्यालय के लापरवाहीपूर्ण रवैया के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के बाद छात्रों का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कुलपति से मिलकर 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कुलपति डॉक्टर फारूक अली ने मांगों को जायज ठहराते हुए छात्र हित में 17 अगस्त 2023 को हर हाल में परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने का वादा प्रतिनिधि मंडल से किया। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं होता है तो छात्र STET परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे, तो छात्र हित में बड़ा आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक दोषियों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई नहीं होती। तो यहां पर आपने देखा कि JP यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं डॉक्टर फारूक अली, उन्होंने साफ साफ प्रतिनिधि मंडल की बातों को मानते हुए कहा है कि 17 अगस्त तक हर हाल में स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तथा अंक पत्र भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि STET का जो परीक्षा फॉर्म भरने का डेट है BSEB का, वह 23 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो यह एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। फिर यहां पर एक और बात देखना होगा, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि स्नातक पार्ट 1 सेशन 2021-24 का एग्जाम पहले हुआ था और 19-22 का बाद में हुआ था। तो 21-24 का रिजल्ट अभी स्नातक पार्ट 1 का जारी ही नहीं हुआ, तो 19-22 का रिजल्ट कैसे जारी होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें।